बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता श्याम रजक ने पारस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ शास्त्रीनगर थाने में केस दर्ज कराया है। श्याम रजक का कहना है कि अस्पताल में उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही थी। आपको बता दें कि श्याम रजक 3 दिनों से पारस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे। वे कंधे और पीठ में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती थे। श्याम रजक ने आरोप लगाया कि फिजियोथेरेपी के दौरान अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनकी पीठ चल गई। फिलहाल श्याम रजक पारस अस्पताल से छुट्टी लेकर राजेश्वर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। मामला शास्त्रीनगर पुलिस के पास पहुंच चुका है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, मुझे कुछ दिनों से सर्वाइकल प्रॉब्लम हुआ। मुझे लोगों ने राय दिया कि डॉक्टर वहाँ अच्छे हैं पारस में, आप जाकर के वहाँ दिखवाइए। मैं दिल्ली जा रहा था, टिकट भी कटा हुआ था, लेकिन मेरा इतना पेन बढ़ा कि एयरपोर्ट जाने के क्रम में ही मैं मुड़ कर करके पारस चला गया और पारस से भर्ती हो गया। पारस में जब भर्ती हुआ तो वहाँ इलाज चल रहा था। वहाँ डॉक्टर गौतम भी देखे, डॉक्टर अभिषेक भी देखे, जॉन भी देखे, और उसके बाद हमको उन्होंने कहा कि भर्ती हुई है, ये सर्वाइकल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एक्सरसाइज से ठीक कराएंगे। उसी बीच हीटर पैड के माध्यम से मुझको सिकने का काम किया गया, तो वो 2 घंटे का सेक होता है। अनरिस्पॉन्सिबल वहाँ कर्मचारी, डॉक्टर, अन्य लोग जो उसको कोई जानकारी नहीं, उन्हीं लोग को जिम्मेदारी दिए हुए, ये आते थे और सीधे वो हीटर पैड लगा देते थे और चले जाते थे। उस दिन क्या हुआ कि हमारा साथ 2 घंटा से ज़्यादा लग गया, जल रहा था। मैंने चिल्लाया कि जल रहा है, जल रहा है, कोई आ जाओ। हमारे साथ जो कुछ लोग थे वो भी गए काउंटर पर जा कर के बताए, लेकिन उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब उसको पट्टी को हटाया गया तो पूरा फफोला था, मेरे पीठ पर अभी भी है। बाद में जब ये स्थिति प्रबंधक को शिकायत किया गया और फिर प्रबंधक को हमने FIR किया है और कहा है कि जान से मारने की साजिश मेरी हो सकता है, क्योंकि जब भी कहा जाता था तो कहता था किसी को कि दलित के लिए तो दलिते न जाएगा, तो दलित के लिए दलित जाएगा, तो हॉस्पिटल तो दलित का है नहीं, सभी का है। तो ये स्थिति के कारण पूरा विश्वास है कि वो साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई हुई है। मैंने FIR किया है और FIR के क्रम में पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार है।